सो अभी हम एक लेमा देखेंगे। ये लेमा का स्टेटमेंट कहता है, लेट एस इज इक्वल्स टू एस वन एस टू डॉट 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 एस एन बी अ फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ द प्लेन। तो हमारे पास एक प्लेन है, उस प्लेन में से हमने क्या किया, कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स हमने पॉइंट सेलेक्ट किया और उस सेट को हमने बोला एस, ठीक है। एंड लेट पी बी इट सेंटर, जो भी एस एस वन एस टू एस एन लिया है ना, तो उसको हमने पी हमने सेंट्रॉइड बोला है, ठीक है, या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। लेट एम बी रिजिड मोशन, एम हमारा है रिजिड मोशन। एंड लेट एम ऑफ एस आई इज इक्वल्स टू एस आई डैश। देन हमें प्रूफ करना है एम ऑफ पी, मतलब जो इसका सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड की जो मैपिंग होगी वो पी डैश को मैपिंग करेगा, और पी डैश क्या है, वो खुद एक सेंट्रॉइड है एस वन डैश एस टू डैश डॉट 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 एस एन डैश का, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं रिजिड मोशन कैरी सेंट्रॉइड टू सेंट्रॉइड। मतलब हमारे पास अभी क्या बोला है, हमारे पास मान लो एक प्लेन है पी, ठीक है। जब वो रिजिड मोशन के अंडर गया, मतलब मैपिंग के अंदर गया, रिजिड मोशन मतलब क्या, या तो ट्रांसलेशन हो सकता है, या तो रोटेशन हो सकता है, या तो रिफ्लेक्शन होता है, इतने तीन टाइप्स है। हमें एक अलग नया प्लेन मिला पी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पी के अंदर से कुछ फाइनाइट साइट्स, हमने कुछ फाइनाइट पॉइंट्स कलेक्ट कर लिया, और उस पॉइंट्स को सेट को जो कलेक्ट किया है, उस सेट को कहा हमने एस, ठीक है। और उसका जो भी मैप होगा, मतलब एस एस वन, मैपिंग ऑफ एस वन इज सेम एज एस वन डैश से का है, ठीक है। तो इसका जो सेंट्रॉइड है एस वन एस टू डॉट 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 एस एन, उसको पी से डिनोट किया, और सेंट्रॉइड को आपको पता है कैसे लिखते हैं, वन अपॉन एन एस वन प्लस एस टू प्लस डॉट 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 एस एन। और इसका जो हम मैपिंग करेंगे, अगेन वो एक सेंट्रॉइड मिलेगा उस नए प्लेन पी का, ठीक है। ये प्रूफ करना है, बेसिकली क्या करना है, मान लो हमारे पास ये हमारा प्लेन है पी, ये हमारा प्लेन पी, ठीक है। इसमें से हमने कुछ पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, मान लो ये है हमारा प्लेन, ठीक है, ये प्लेन है, उसमें से हमने कुछ पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, जैसे कि एस वन एस टू डॉट 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 एस एन, ये हमारे पॉइंट्स हो गए एस। और इस सेट पॉइंट्स से सेट को कलेक्शन को कहा हमने सेट एस, ठीक है। ये जो सेट बना उसको हमने एस नाम दिया है, ठीक है, एस वन एस टू, और ये फाइनाइट होना चाहिए। इसका जो भी सेंट्रॉइड आएगा, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ आएगी, उसको हमने कहा है पी। जब ये प्लेन एक रिजिड मोशन के अंदर गया, मान लो इस प्लेन को मैंने रोटेट कर दिया, या फिर कुछ भी रिजिड मोशन किया, कुछ भी आपको ट्रांसलेट किया, या फिर मैंने इसको रिफ्लेक्शन, ये अपना रिफ्लेक्शन किया, कुछ भी किया, तो हमें एक नया प्लेन मिला पी डैश, एक नया प्लेन मिला, ठीक है, एक नया प्लेन मिला। और उसके अंदर भी जो एस जो था, मान लो ये एस है, तो ये मैपिंग करके हमें मिला एम ऑफ एस वन डैश, सॉरी एम ऑफ एस वन, एम ऑफ एस टू डॉट 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 डॉट, इसी तरह एम ऑफ एस वन, और जो सेंट्रॉइड था वो एम ऑफ पी मिल गया, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, मान लो हमारा ये है प्लेन पी, ठीक है, ये है प्लेन पी, इसमें मैंने पॉइंट सेलेक्ट किए, मान लो ये है मेरा एस वन, ये कॉर्नर है एस टू, ये कॉर्नर है एस टी एस थ्री, और ये कॉर्नर है एस फोर, ठीक है। ये स्क्वायर, इसके मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया फाइनाइट पॉइंट्स, इसका जो भी सेंट्रॉइड आएगा वो सेंटर में आएगा, बिकॉज एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री प्लस एस फोर अपॉन फोर, इसे कहा मैंने पॉइंट पी। ये है मेरे पास प्लेन पी, इसमें से मैंने फाइनाइट पॉइंट सेलेक्ट किए और उसका नाम दिया एस वन एस टू एस थ्री एस फोर, इसका सेंट्रॉइड आया पी। अब मैं इसको रिजिड मोशन दूंगा, तो जैसे ही मैंने इसको रिजिड मोशन दिया, तो हर एक पॉइंट चेंज हो गए, मतलब एस वन यहाँ था तो एस वन उधर चला गया, एस टू इधर पे था तो सॉरी एस टू इधर था तो एस टू अभी इधर आ गया, मतलब एस टू इधर पे था, इस कॉर्नर पे था, तो अभी एस टू किधर आ गया, इस कॉर्नर में एस टू था, एस टू इधर आ गया, यहाँ पे एस थ्री था तो एस थ्री इधर आ गया, यहाँ एस फोर था तो एस फोर इधर चला गया। मतलब मैंने जब रोटेट किया, एक नया प्लेन मिला और उसके अंदर हर एक पॉइंट्स चेंज हो गए, तो ये जो एस वन था, तो ये हमारे बाय रिजिड मोशन एम ऑफ एस वन मिल गया, और एम ऑफ एस वन को उन्होंने डिफाइन किया एस वन डैश। ये एस टू था, जब नया पॉइंट मिला तो एम ऑफ एस टू हो गया और उसका नया नाम दिया एस टू डैश। ये एम ऑफ एस थ्री हो गया, इसका नया नाम है एस थ्री डैश। बट जो यहाँ पे सेंट्रॉइड था, ठीक है, जो पहले सेंट्रॉइड था और अभी रिजिड मोशन के बाद, ये एम ऑफ पी बन गया और उसका नाम दिया पी डैश। अगेन ये सेंट्रॉइड बन गया, इस नए प्लेन का अगेन ये सेंट्रॉइड मिल गया। मतलब कहना क्या चाहता है, अगर हमारे पास कोई भी, यहाँ लिखा है रिजिड मोशन कैरी, जो भी रिजिड मोशन हुआ, ठीक है, कैरी सेंट्रॉइड टू सेंट्रॉइड, जो पहले का सेंट्रॉइड था और रिजिड मोशन के बाद अगेन वो सेंट्रॉइड वहीं पे है, मतलब सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड को मैप किया, भले हर पॉइंट्स चेंज हो गए बट सेंट्रॉइड ने सेंट्रॉइड को मैप किया, तो ये कहना चाहता है, इसका हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो एम है हमारा क्या है, रिजिड मोशन दिया गया है, तो एम रिजिड मोशन है, लेट एम बी रिजिड मोशन, एम रिजिड मोशन है, एम रिजिड मोशन है मतलब क्या, एम ट्रांसलेशन हो सकता है या तो रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो केस वन लेते हैं, मान लो हमारा एम जो है, एम इज ट्रांसलेशन, एम ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेशन, एम ट्रांसलेशन रहा रिजिड मोशन, तो उसका इफेक्ट इस पे क्या होगा, तो एम ऑफ पी क्या बन जाएगा, एम ऑफ पी मतलब क्या, विच इज सेम एज
एम ऑफ पी मतलब ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेशन बाय ए वेक्टर से कर रहे हैं, ट्रांसलेशन ऑफ पी सेम एज पी प्लस ए, बट पी क्या है, पी इज डिफाइंड सेंट्रोइड वन अपॉन एन एस वन प्लस एस टू प्लस डॉट 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 प्लस एस एन, ठीक है, प्लस ए तो प्लस ए विच इज सेम एज वन अपॉन एन एस वन प्लस एस टू प्लस डॉट 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 प्लस एस एन प्लस ए एन एन टाइम्स ए, मतलब क्या ए एन टाइम्स है, दैट इज एस वन प्लस ए हर एक को एक एक ए दे देंगे प्लस एस टू प्लस ए प्लस डॉट 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 प्लस एस एन प्लस ए, ये एन ए एक एक ए में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, विच इज सेम एज वन अपॉन एन। अब हमें नया मिला एस वन प्लस ए, मतलब मैपिंग जब हमने ए से ऐड किया तो पी प्लस ए, तो हमें मिल गया एम एस वन प्लस एम एस टू प्लस डॉट 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 प्लस एम एस वन एस एन, बट एम एस वन क्या है, एस वन डैश प्लस एस टू डैश प्लस डॉट 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 प्लस एस एन डैश, इसका मतलब क्या, ये नया मिल गया पी डैश। तो जो सेंट्रॉइड का जब हमने मैपिंग किया, अगेन हमें दूसरा सेंट्रॉइड मिला वो जो कि उस प्लेन का सेंट्रॉइड था, मतलब सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड को मैप कर रहा है, इसलिए रिजिड मोशन कैरी सेंट्रॉइड टू सेंट्रॉइड। तो पहला केस ये हो गया अगर ट्रांसलेशन है। मान लो केस टू, केस टू एम इज आइदर रोटेशन, एम इज आइदर रोटेशन, या तो एम रोटेशन हो सकता है या तो रिफ्लेक्शन हो सकता है। अगर रोटेशन रहा तो उसका डिटर्मिनेंट वन आएगा और रिफ्लेक्शन रहा तो उसका डिटर्मिनेंट माइनस वन आएगा, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अगर रोटेशन वन है और माइनस वन है मतलब क्या, डिटर्मिनेंट चल रहा है और हर डिटर्मिनेंट क्या होता है, लीनियर होता है, सो देयरफॉर एम इज लीनियर। अगर एम लीनियर है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज होल्ड होती है, जैसे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी थी टी ऑफ यू प्लस वी सेम एज टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी, यहाँ पे हमारा टी मैपिंग जो है वो एम है, विच इज सेम एज टी ऑफ लैम्बडा यू सेम एज लैम्बडा टाइम्स टी ऑफ यू, वेयर लैम्बडा इज सम स्केलर या फिर रियल नंबर, ठीक है। तो अभी हमें करना है एम इज लीनियर, एम लीनियर है मतलब क्या, सो एम ऑफ पी क्या हो जाएगा, विच इज सेम एज एम ऑफ पी मतलब वन अपॉन एन एस वन प्लस एस टू प्लस डॉट 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 प्लस एस एन। एम लीनियर है इसका मतलब क्या, वन अपॉन एन बाहर आ जाएगा यही प्रॉपर्टी, तो हमें मिल जाएगा एम ऑफ एस वन प्लस एस टू प्लस डॉट 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 प्लस एस एन। अगेन एम लीनियर है तो इसका मतलब क्या, एम ऑफ एस वन प्लस एम ऑफ एस टू प्लस डॉट 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 प्लस एम ऑफ एस वन एस एन, बट एम ऑफ एस एन एस वन क्या है, एस वन डैश प्लस एस टू डैश प्लस डॉट 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 प्लस एस एन डैश, ये क्या बन गया, ये सेंट्रॉइड नए प्लेन का जो रिजिड मोशन हुआ तो उसके बाद नया जो प्लेन मिला उसका सेंट्रॉइड हुआ, विच इज सेम एस पी डैश दैट इज सेंट्रॉइड। इसका मतलब क्या, यहाँ पे थ्योरम प्रूव हो गया कि हमें बोला गया था कि हमें प्रूफ करना एम ऑफ पी इज इक्वल्स टू पी डैश वेयर एम इज रिजिड मोशन। तो रिजिड मोशन तीन टाइप के होते हैं, एक है ट्रांसलेशन और दूसरे केस में हमने बता दिया अगर रोटेशन रिफ्लेक्शन रहा तो एम ऑफ पी इज पी डैश, एंड अगर इस केस में रहा तो एम ऑफ पी इज अगेन पी डैश। तो यहाँ पे हमारा थ्योरम प्रूव होता है।